ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती के। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के लिए जहां देश भर में इंसाफ की मांग हो रही है, वहीं यूपी पुलिस और सरकार का चेहरा ही कुछ अलग सामने आ रहा है। हाथरस प्रशासन पीड़ित परिवार पर मनमाना बयान देने का दबाव बना रहा है, क्योंकि हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पीड़िता के पिता पर दबाव बना रहे हैं, जिसका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। डीएम साहब पीड़िता के पिता से कहते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, मीडिया वाले आज है कल चले जाएंगे, आपको यहीं रहना है, हम ही आपके साथ हैं, आखिर क्या छिपाया जा रहा है? डीएम जनाब क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए पहले डीएम साहब पीड़िता के पिता से क्या कह रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए, तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे निकल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, वही पीड़िता के भाभी ने डीएम पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, सुनिए पीड़िता की भाभी ने क्या कहा है। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोल रहे केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम तो कौन भरोसा पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं पीड़िता के परिवार से मीडिया कर्मियों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है और परिवार पर दबाव भी बनाया जा रहा है। किस तरह से मीडिया कर्मी और अधिकारियों के बीच में तू मैं हुई वो भी सुनिए। क्यों सीधी भाषा बात करती है?